सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। हम बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी। के लिए हमें चाहिए काजू, बादाम, नारियल, कद्दूकस किया हुआ और ये किशमिश। आगे भी जो सामान चाहिए होगा वो हम आगे ऐड कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में घी डालेंगे, उसमें हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। जो जो सामान जितनी क्वांटिटी में लेना है वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। यहाँ पे हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं, अब हमने काजू लिए हैं। काजू जैसे ही रोस्ट होने लगेंगे, काजू को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जैसे ही वो रोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, वो थोड़ा फूलने लगती हैं। जैसे ही वो फूलने लगे हमें उन्हें निकाल देना है। इसके बाद किशमिश हमारी रोस्ट हो गई, अब हम इसे साइड में निकाल देंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, इसमें हम 2 कटोरी मखाने डालेंगे। मखाने को मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे भूनना है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए हमारे मखाने भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें हम साइड में निकाल देंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के हम मैगी डाल देंगे, जो मेलन सीड्स होते हैं उन्हें, जो खरबूजे के बीज होते हैं, और हमने इसे 1.5 बाउल के अराउंड लिया हुआ है। मेलन सीड्स रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालेंगे, इसी में हमें नारियल जो हमने कद्दूकस किया हुआ है उसे हमें फ्राई करना है। घी डालने के बाद हमने इसमें नारियल डाल दिया है जो हमने कद्दूकस किया हुआ है। हमने 2 बाउल के अराउंड नारियल लिया हुआ है, इसका कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे। अब अलग से कढ़ाई में हमें चाशनी तैयार करनी है, इससे हमें ये मैगी पाक जमाना है। उसके लिए हमने चीनी ली, आपको जितनी चीनी लेनी है उतना ही पानी डालना है। जैसे ही चाशनी में तार बनने लगे सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्सी में पीस लिए थे। अब ये नारियल डाल दिया है, इसके बाद हमें खोआ डालना है। खोए के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। अच्छे से चलाने के बाद हम एक बर्तन को ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद थोड़े से तेल हम नीचे डालेंगे ताकि नीचे से भी अच्छा है। उसके बाद गरम गरम पेस्ट को हम इसके ऊपर डालेंगे। सारा पेस्ट डालने के बाद अच्छे से उसको फैला देंगे चम्मच की हेल्प से, और उसके ऊपर हमने नारियल का बुरादा डाला है। उसके बाद ग्रीस डाले हैं, थोड़े से मखाने डालेंगे, जितने भी हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाला था ताकि हम इसमें ऊपर से थोड़ा गार्निश के लिए डाल सकें। तो ये देखिए हमारी बर्फी तैयार है। ये जैसे ही ठंडी होगी उसके हमने पीस कट कर लिए हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी थी। सच मानिए एक बार आप बना के देखिए, बार बार ये रेसिपी।